તો ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે ત્યારે કેન્દ્રીય મંત્રીઓની પણ ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે। ગુજરાતની મુલાકાતે આવેલા કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી અને જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતે મન બનાવી લીધું છે કે ભાજપની સરકાર બનશે। અનુરાગ ઠાકુરે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે દ્વારકામાં ભગવાન કૃષ્ણની મોટી પ્રતિમા બનશે, આસ્થા સાથે અર્થવ્યવસ્થાનું નવું મોડેલ બનાવવામાં આવશે। सबसे बड़ी जो स्टैच्यू है सरदार पटेल जी का एकता नगर केवड़िया में, उसी तरह पर द्वारका में भी दुनिया की भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी प्रतिमा अगर कहीं बनेगी तो द्वारका में बनेगी। अगर पूरा कॉरिडोर बनेगा, एक रिंग रोड भी ऐसा बनेगा जहां पर सभी ऐसे आस्था के केंद्रों को जोड़ने का काम किया जाएगा। मित्रों, ये कोई केवल धर्म के प्रचार के लिए नहीं, ये आस्था के केंद्रों के साथ आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करके नई अर्थव्यवस्था खड़ा करने का एक मॉडल किया है, अपने गौरवशाली इतिहास को बचाकर संवारने का काम किया है। और मैं तो ये कहूंगा, कला संस्कृति संगीत को तो बढ़ावा दिया है, दिव्य और भव्य सोमनाथ मंदिर बनाया, दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बनाई, दिव्य भव्य अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर बन रहा है, बुद्ध सर्किट बनाया, हेमकुंड साहब में रोपवे बनाया, करतारपुर कॉरिडोर को खुलवाया। ये केवल आस्था के केंद्र नहीं है, अर्थव्यवस्था के भी एक बड़े केंद्र बने जहां से रोजगार स्वरोजगार के अवसर बने।